कड़कनाथ मुर्गी का पालन करने पर बड़े पैमाने पर मुनाफा होने का झांसा देकर 1,65,00,000 रुपए की ठगी में वांछित सांगली के सुधीर शंकर मोहिते को 2 साल बाद आखिरकार अपराध शाखा ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सुधीर ने अपने साथी संदीप सुभाष मोहिते की मदद से राज्य के कई शहरों में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। दोनों ने कम समय में ज्यादा मुनाफा मिलने का झांसा कई लोगों को दिया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित निवेशकों को आर्थिक शाखा में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। फिलहाल इस मामले में कई खुलासे होने अभी बाकी है, आगे की जांच शुरू है। कड़कनाथ मुर्गी का पालन करने पर बड़े पैमाने पर मुनाफा होने का झांसा देकर 1,65,00,000 रुपए की ठगी में वांछित सांगली के सुधीर शंकर मोहिते को आखिरकार 2 साल बाद आर्थिक शाखा ने गिरफ्तार किया है। सुधीर ने अपने साथी संदीप सुभाष मोहिते की मदद से राज्य के कई शहरों में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। दोनों ने 2018 में बजाज नगर थाने के तहत महारैयत एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा रैयत एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित की। उस वक्त कड़कनाथ मुर्गे के पालन को लेकर किसानों में काफी आकर्षण था। आरोपियों ने लोगों को मुर्गा पालन, उसके प्रजनन तथा उपचार में मदद करने के अलावा अंडे तथा चूजे खरीदने का भी झांसा दिया। उन्होंने एक मर्तबा निवेश करने के बाद लंबे वक्त तक बड़ा मुनाफा हासिल करने का भी झांसा दिया। सुधीर शंकर मोहिते आरोपी आम्ही 23 तारखेला अटक केली आणि त्याचा PCR 28 तारखेपर्यंत मिळाला आहे। यामध्ये त्यांनी महारैयत ॲग्रो इंडिया कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड सुरू केली होती आणि त्यामार्फतीने कडकनाथ कोंबड्या तसेच त्यांचं फीड आणि मेडिसिन देण्याचं शेतकऱ्यांना कबूल केलं होतं। परंतु त्यांनी शेतकऱ्यांना जे काही कोंबड्या द्यायचे किंवा त्याचं फीड द्यायचं मेडिसिन द्यायचं ते आम्ही दिलं, परंतु ते त्यांनी दिलं नाही आणि 110 शेतकऱ्यांची जवळपास 1,64,00,000 फसवणूक झालेली आहे। तर यामार्फत आम्ही हे म्हणू इच्छितो की ज्या शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक झालेली आहे त्यांनी इकडे पोलीस भवन आर्थिक गुन्हे शाखा येथे त्यांचं बयान नोंद करण्यास यावे। कुछ समय बाद आरोपी निवेशकों से टाल मचोल रवैया अपनाने लगे, लोगों से कन्नी काटने का भी पता चला है। निवेशकों के दबाव बनाने पर आरोपी कार्यालय बंद करके फरार हो गए। उन्होंने आर्थिक शाखा में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 110 निवेशकों के बयान दर्ज किए हैं, उनसे 1,65,00,000 रुपए की ठगी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने धोखाधड़ी तथा MPDA के तहत केस दर्ज किया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।